हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट द ट्रेड क्रेडिट. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट कमर्शियल बैंक, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन अबाउट द ट्रेड क्रेडिट. चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट इट्स ट्रेड क्रेडिट. व्हाट डज इट मीन, एक्चुअली होता क्या है. सी, मीनिंग क्या है इसका. ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स वॉट, सपोज देर आर टू पर्सन, दोनों ही ट्रेडर हैं, एक बायर है एक सप्लायर है. सप्लायर ऑफ वॉट, रॉ मटीरियल. ठीक है, ही इज अ पर्सन, सपोज हिज नेम इज वाई एंड हिज नेम इज एक्स. एक्स इज अ बायर एंड वाई इज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल. दोनों ही ट्रेडर हैं. ठीक है, वाई रॉ मटीरियल सप्लाई करता है, एक्स जो है गुड्स को प्रोड्यूस करता है. Now here is X is a buyer because he want to buy the raw material from the Y. ठीक है, X को Y से raw material चाहिए तो he'll considered as a buyer. Trade credit क्या है. X जब इससे खरीदने गया तो X ने बोला मुझे raw material दे दीजिए, तो Y ने बोला ठीक है आप ले लो, लेकिन X ने बोला मेरे पास payment अभी तो फिलहाल नहीं है, मुझे 3 महीने बाद मैं आपको payment कर दूंगा. ठीक है, X ने क्या बोला, मुझे 3 महीने बाद मैं आपको payment कर दूंगा. तो Y ने क्या करा, 3 मंथ्स के बाद उसने बोला मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ठीक है, वाई ने बोला ठीक है आप ट्रेड क्रेडिट साइन कर दीजिए, टीसी मतलब ट्रेड क्रेडिट आप साइन कर दीजिए, मतलब 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देंगे. सो दिस इज ट्रेड क्रेडिट. मतलब ये जो रॉ मटेरियल उधार में ले रहा है इससे, ये ट्रेडर ही है, यानी ये भी बिजनेस ही कर रहा है और ये भी बिजनेसमैन है, ये भी ट्रेडर है क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. सो दिस इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स सर्विसेज उधार लेने के लिए जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है, दैट इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट. जनरली ये क्या टर्म है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाइज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. अब यही पॉइंट इसमें यहाँ पर आया कि ट्रेड क्रेडिट हेल्प कर रहा होता है कि आप परचेज कर सकते हैं बट विदाउट इमीडिएट पेमेंट. इन सच अ सिचुएशन द सिचुएशन विल रिमेन द सेम. क्या हुआ था, एक्स ने क्या था, गुड्स सप्लाई, इसने रॉ मटेरियल खरीद लिए थे लेकिन इमीडिएट पेमेंट इसने नहीं करी थी. विदाउट इमीडिएट पेमेंट, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आपके पास अभी पैसा नहीं है तो, लेकिन फिर भी आपको ये उधार दे रहा है. सो दिस फैसिलिटी एक्चुअली प्रोवाइडेड टू द सप्लायर्स, प्रोवाइडेड टू द बायर विदाउट इमीडिएट मेक पेमेंट. नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. व्हाट डज इट मीन हियर, कह रहा है ट्रेड क्रेडिट जो फैसिलिटी है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलती है, ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए 5-5 साल 10-10 साल 20 साल के लिए आप ले रहे हैं. नो, इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म. मीन्स फॉर अ शॉर्ट टर्म लाइक इट लेस देन फॉर अ 1 ईयर. 3 मंथ्स के लिए मिल गया, 4 महीने के लिए मिल गया, 2 महीने के लिए मिल गया. सो जनरली ये फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है. नेक्स्ट इज इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल. जनरली ये उन कस्टमर्स को दिए जाती है जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी हो, जिनकी रेपुटेशन, जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी हो. मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर के पास गई, ठीक है, मैं क्या गई, एक शॉप के पास गई, शॉपकीपर के पास गई, शॉप पे गई सामान लेने. मैंने उनको बोला कि मुझे ये चीज़ जो है ना आप उधार दे दीजिए, मेरी मम्मी से पैसे ले लेना. ठीक है, साइड बाय साइड मेरी मेड, मेरे घर पे मेड थी, मेड का बेटा भी उसी शॉप पे गया, उसने भी बोला कि मुझे भी दे दो लेकिन पेमेंट जो है आप मेरी मदर से ले लेना. अब शॉपकीपर ने मुझे तो दे दिया, ठीक है, और उसको नहीं दिया. क्यों? क्योंकि मेरी जो फैमिली है उनकी मार्केट में रेपुटेशन, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी है. लेकिन जो अब ऐसा तो नहीं है मेरी जो फाइनेंश मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी वही मेरी मेड के बेटे की फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी या मेरी मेड की होगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है. तो यही हुआ कि उन कस्टमर्स को दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जिनकी मार्केट में फाइनेंशियल स्टैंडिंग, जिनकी रेपुटेशन गुडविल मार्केट में अच्छी होती है. नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड अपॉन सो मैनी फैक्टर्स, कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, सच एज रेपुटेशन ऑफ परचेजिंग फर्म. मान लीजिए
मैंने 2 लाख रुपए लिया, लेकिन मुझे 2 साल बाद लगा, 2 लाख रुपए मैंने ले लिया लेकिन मुझे 2 महीने बाद लगा मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। तो वॉल्यूम मतलब मैंने 2 लाख ऑलरेडी आई हैव टेकन, लेकिन जो रॉ मटेरियल मैंने लिए थे, मैंने 2 लाख रुपए के ले लिए लेकिन मुझे 2 महीने बाद और पैसा चाहिए, और गुड्स चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम डिपेंड करता है मेरी परचेजिंग फर्म पे। मे बी मेरी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो वो कहेगा पहले वो वाला पैसा दो तब जाके मैं आपको सेकंड दूंगा, लेकिन मेरी परचेजिंग फर्म जो है जहाँ मैं खरीद रही हूँ मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो वो मेरे को दे सकता है। पीरियड इज ऑल्सो 2 महीने का टाइम पीरियड था, 2 महीने में मैंने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं करी तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे नहीं देगा। लेकिन कई बार मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो उन्होंने कहा 2 महीने पेमेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब 3रे महीने में दे देना। सो वॉल्यूम एंड पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंड अपॉन कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है, वॉल्यूम ऑफ परचेज हम कितना खरीद रहे हैं, पास्ट रिकॉर्ड हमारा क्या कहता है। किसी पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने पिछले इतने सालों से ट्रेड क्रेडिट लिया लेकिन पेमेंट कभी नहीं करी, तो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा ना होने की वजह से अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट में, कॉम्पिटिशन क्या कैसा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है कम चल रहा है, तो वो भी सिचुएशन डिपेंड करती है ट्रेड क्रेडिट की। सो वॉल्यूम एंड पीरियड विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन सो मैनी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट में वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज आई टोल्ड यू कि ट्रेड क्रेडिट की जो टर्म्स हैं, ट्रेड क्रेडिट के जो रूल्स हैं, रिजिड नहीं होते। कि ट्रेड क्रेडिट अगर 2 महीने के लिए लिया गया है तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है या आपको इतने महीने में दे देना है, ऐसी टर्म्स जो है वो रिजिड नहीं होते। वो डिपेंड करता है वन इंडस्ट्री टू अनदर। एक इंडस्ट्री को आप रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए पेमेंट के लिए आप बोल रहे हो, दूसरी इंडस्ट्री को कह रहे हो नहीं मेरे को 30 महीने मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देना। सो ट्रेड क्रेडिट की जो टर्म्स है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है एंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर भी वेरी करता है। एक पर्सन को आपने बोला नहीं आप ले जाओ 3 दिन में मुझे पैसा दे देना, लेकिन दूसरे पर्सन को आप कह रहे हो चलो ले जाओ 10 दिन महीने बाद जब आपका मन करे आप तब दे देना। सो डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, इसलिए ये रिजिट नहीं होता, टर्म जो है वो वेरी करती रहती है मतलब चेंज होती रहती है। लास्ट सेज अ फर्म मे ऑल्सो ऑफर डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। जो फर्म है वो डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स ऑफर कर सकती है अलग अलग कस्टमर्स को। ये भी वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि एक कस्टमर को बोला कि 10 दिन के अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए, दूसरे कस्टमर को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं और 1 मंथ में दे देना। सो टर्म्स जो कंपनी जो है वो अलग अलग टर्म्स दे सकती है अलग अलग कस्टमर्स को। सो ट्रेड क्रेडिट सिंपल सी टर्म है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि नहीं समझ में आए। ट्रेड क्रेडिट सिंपल है, एक ट्रेडर जो है दूसरे ट्रेडर को उधार दे रहा है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसने इसको गुड्स दिए, इसने बोला मैं पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा, इसने बोला ठीक है आप टीसी ले लीजिए, टीसी पे साइन कर दीजिए, यानी आपको मेरे पास एक प्रूफ हो जाएगा कि 3 महीने बाद आपके पास आपसे पेमेंट आ जाएगी। सो बोथ आर हेयर ट्रेडर। सो ट्रेड क्रेडिट सिंपल ही मीन्स दैट क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर बट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अबाउट द ट्रेड क्रेडिट। इन एन अपकमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स एडवांटेजेस, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच।